Hello, good evening to all of you. Welcome to American Institute. As we know that we have organized a seminar. In front of you to tell you about the social media. But first of all, I would like to pay thanks to my sir and ma'am who gave me the golden chance to speak on the podium. Social media is as important as food and water, and for some more than that. But it has many advantages and disadvantages. Because of social media, you can connect with anyone from anywhere, irrespective of religion or caste. You can increase your knowledge. You have seen that when the whole world fighting with the COVID-19, then student could. My name is Sajan Saini. Today I am here to tell you my topic, Mere Sapno Ka Bharat. Now please listen to me carefully and cheerfully. I hope that you can do so. If you do so, I would be highly obliged to you. Okay. मैं तो देख रहा हूँ सपना ऐसे हिंदुस्तान का मैं तो देख रहा हूँ सपना ऐसे हिंदुस्तान का जन्म जहाँ पर होगा आखिर नए सुखी इंसान का मैं तो देख सो लेट्स स्टार्ट मैं रहूं या ना रहूं तुम मुझ में कहीं बाकी रहना मुझे नींद आए जो आखरी तुम ख्वाबों में आते रहना बस इतना है तुमसे कहना किसी शराबी से पूछा शराब क्यों पीते हो शराब पी के रोज मरना तो क्यों पीते हो तो शराबी ने कितनी प्यार से जवाब दिया नफरत का असर देखिए जानवरों का बंटवारा हो गया गाय हिंदू हो गई बकरा मुस्लिम हो गया मंदिर में गया तो हिंदू दिखे मस्जिद में देख गया तो मुसलमान शाम को जब मैं खाने में गया तब दिखे इंसान गिरते हुए फूलों के साथ गिर रहा इंसान है सिग्नल पर खड़ा हवलदार 100 रुपए में मेहरबान है लेकिन मेरा देश महान है एक्शन का मुद्दा बनता जवानों का बलिदान है लेकिन मेरा देश महान है आनंद के वापस आने पर नेता का योगदान है वहाँ अपने ही घर में पंखों पे लटक रहा किसान है लेकिन मेरा देश महान है टिकटॉक के बैन होने पर जनता हैरान है अजीब कंडीशन है टिकटॉक बैन हो गया सब ज़्यादा हमको लगता है कि हमारे इंडिया वाले ही विरोध कर रहे थे क्यों बैन हो गया सो टिकटॉक के बैन होने पर जनता हैरान है और लूट रही बेटियों के हर मोहल्ले में आन है लेकिन मेरा देश महान है ट्विटर पे क्या ट्रेंडिंग है इसमें युवा परेशान है भाड़ में जाए करप्शन अगले ही दिन अपलोड फेसबुक इंस्टाग्राम है लेकिन मेरा देश महान है थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली पलट पलट के
माई नेम इज अली हुसैन एंड आई एम हेयर टू प्रेजेंट अ शॉर्ट स्पीच बिफोर यू ऑन इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू पे थैंक टू सर फॉर गिविंग मी अ चांस टू टेल हर समथिंग. इंडिया विच इज ऑफिशियली नोन एज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज अ ह्यूज एंड ब्यूटिफुल प्लेस फुल ऑफ वंडर्स. इट इज़ फेमस फॉर मैनी थिंग्स बट वन ऑफ द मोस्ट फेमस इज द ताजमहल विच इज बिल्ड बाई द मुगल एम्पायर शाहजहाँ इन द मेमोरी ऑफ हिज लविंग वाइफ मुमताज. एवरी ईयर मोर देन 8 million ऑफ द पीपल कम टू सी ओनली द ताजमहल. इंडिया इज सिचुएटेड इन साउथ ईस्ट साउथ एशिया. इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया सराउंडेड बाई इंडियन ओशियन टू द साउथ अरेबियन ओशियन टू द साउथ. किसी के गजरे को महकता छोड़ आया हूँ किसी के गजरे को महकता छोड़ आया हूँ अपने नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ. मुझे तो अपने छाती से लगा के रखना ये भारत माँ मैं अपनी माँ के बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ मैं अपनी माँ के बाहों को. आई एम शिवम गोपाल आई बिलोंग टू आजमगढ़ एंड आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स. माई टॉपिक इज व्हाट लेफ्ट बिहाइंड व्हेन अ सोल्जर पासेज अवे. वन रियल इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ माई मेटरनल अंकल वॉज पास्ड अवे एंड दैट्स वाई आई चूज अ टॉपिक बिकॉज आवर इंडियन फ्लैग डज नॉट फ्लाई ड्यू टू मूव ऑफ विंड इट्स फ्लाई ड्यू टू सेक्रीफाइजेज एंड लास्ट ब्रीथ ऑफ आवर ब्रेव सोल्जर्स. आई वॉन्ट टू टेल अबाउट समथिंग मेड अप मेनली ऑफ 3 things माइंड बॉडी एंड सोल. To satisfy these 3 things, we need knowledge for mind and good health for body and next is inner peace, which is required for the soul. Knowledge is need of our mind and good health is need of our body. I'm also fine, thank you for asking me that. So now I will introduce. I'm from Prayagraj itself. I have completed my 12th. I'm pursuing diploma for ADC and Delhi. Apart from this, I'm learning spoken English. Now I will sing a song for you all. My song's name is Lily. It's from the writer and composer is Ellen Walker. So, Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her castle walls. Now and then she tried to run, and then one the night. So my name is Ankit Rosh. I'm from Pratapgarh, and now I'm pursuing BSc. I have completed class 12th. So. Before starting my topic, I wanted to say Adesh that Providence smiles upon those who are sedulous. But in this Adesh is not true for everyone. Because if we see a child who is the example of child labor, he is working hard, but the Providence is not smiling at him. So my topic is topic is women condition in India. Women were highly respected in India during ancient time, but as time passed, the status of women changed a lot. The condition of women in India
During the medieval period, boys were very poor economically, socially, and practically. Women had to even practice sati system, dowry system, and child marriage, etc. The condition of women in India has improved a lot after India's independence. Today, women are giving their contribution in every field without any fear. Women are seen leading everywhere. Women have now become even more aware of their rights. Women are now getting equal rights as men. The participation of women in every field is increasing day by day. Example like Sania Mirza in tennis and Sania Nehwal in badminton and Mary Kom. कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है मगर धरती की बेचैनी को बादल समझता है मैं तुमसे दूर कैसा हूँ तुम मुझसे दूर कैसी है ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है आई एम पर्शियन गर्जन फ्रॉम लावल इंस्टी टुडे माई टॉपिक इज वुमेन सेफ्टी वुमेन सेफ्टी इन इंडिया इज अ मेजर कंसर्न प्रॉब्लम ऑफ इन दिस एरा एंड should be talk about as much as possible. Women are in strength of our society and also worshipped by all. There are a lot of goddesses in India as like Durga, Kali, Saraswati and Lakshmi and many more. She live terror and fear. Nowadays, women are unsafe and suffering a lot of problems. Domestic violence, sexual assault, dowry death, and rape are a major problem of crime against women in India.